इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम भीगे हुए चना दाल के पानी को हटा देते हैं। मैंने 2 कप चना दाल लिया था, जिसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया और इसे फूलने के लिए छोड़ दिया। ये 2 घंटा तक फूलने के बाद अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो चलिए हम इसके पानी को हटा देते हैं। चना दाल के पानी को हटाने के बाद अब हम इस चना दाल को डालेंगे एक प्रेशर कुकर के अंदर। हम थोड़ा सा चना का दाल बचा लेंगे दूसरी रेसिपी में डालने के लिए। अब हम दाल के 1/2 इंच ऊपर तक पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच ऊपर तक पानी डाला है, दाल के 1/2 इंच ऊपर तक पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे उबलने के लिए चढ़ा देंगे। दाल को चूल्हा के ऊपर चढ़ाने के बाद हम इसके ढक्कन को बंद करेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 5 से 6 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। एक तरफ दाल उबल रहा है तब तक हम दूसरी तरफ का गैस ऑन करते हैं और इसके ऊपर चढ़ा देंगे 1 लीटर दूध। यहाँ दूध के अंदर एक अच्छी सी उबाल आ चुकी है, तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं 2 मुट्ठी धो के साफ़ किया हुआ खीर का चावल। मैंने इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ था। चावल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चला देंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरीके से पक जाने तक कुक कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर दाल के अंदर 6 सीटी लग चुका है, तो चलिए हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे 1 कढ़ाई। बीच बीच में खीर को भी चलाते रहना है ताकि चावल अच्छी तरीके से कुक होकर रेडी हो जाए। कढ़ाई जब हल्का गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम करने के बाद हम डालेंगे 1/2 टी स्पून मेथी दाना। मेथी दाना जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन भून जाए तब डालेंगे 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें हम कटा हुआ पम्पकिन, कद्दू, कोहड़ा। मैंने 250 ग्राम कोहड़ा का इस्तेमाल किया है। इसे मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को लो रखना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे 1/2 टी स्पून ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर। आप इसकी जगह फ्रेश अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद जब ये 80-90% तक कुक हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। 1 टी स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला। इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा से ढक देंगे और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कट जा रहा है, कुक हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें इससे ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, इसे खड़ा ही रखना है। आप अपने पसंद के हिसाब से, अगर आप मैसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ी सी और कुक कर लेंगे। मैं इसे ऐसे ही उतार कर सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं सब्जी कितना अच्छे तरीके से कुक होकर रेडी हुआ है। यह प्रेशर कुकर का सीटी अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है, तो चलिए हम इसे एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भून कर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे 1 टी स्पून जीरा। जीरा जब लाइट गोल्डन ब्राउन भून कर रेडी हो जाए तब हम डालेंगे 1/4 टी स्पून हींग। हींग डालने के बाद तुरंत डालेंगे हम बॉयल किया हुआ दाल। दाल को हम हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से सूख जाने तक भून कर रेडी कर लेंगे। दाल के अंदर हम ऊपर से नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने उबालते समय ही स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया था। अगर आपने नहीं डाला होगा तो आप इसी समय नमक डाल दें ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
दाल जब तक भून रहा है तब तक हम प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं आधा किलो हाफ के जी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे दो बड़े साइज़ का आलू, जिसको कट करने के बाद इसे ही अच्छी तरीके से धो के साफ कर लिया हुआ है। आलू डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। यह खीर भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, फ्रेश कूटा हुआ इलायची पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देंगे और इसी चूल्हा को हाई फ्लेम करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे आलू और गोभी। यहाँ दाल का पानी बहुत अच्छी तरीके से सूख चुका है, तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और लो फ्लेम के ऊपर इसे 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सूख कर रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, तो चलिए हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और इस चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे आलू और गोभी ताकि ये फटाफट से उबल कर तैयार हो जाए। आलू और गोभी के अंदर जब एक अच्छी सी उबाल आ जाए तब हम इसे एक बार ऊपर नीचे कर देंगे ताकि नमक और हल्दी जो है पूरी सब्जी के ऊपर इक्वली फैल जाए। मैंने आलू और गोभी को गोल गोल और मोटे टुकड़ों में कट करके रेडी किया है, आप देख सकते हैं। पत्ता गोभी को मैंने छोटे छोटे और मोटे टुकड़ों में कट किया है। आलू गोभी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसे 2 से 3 सीटी आने तक हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। जब तक आलू और गोभी उबल रहा है तब तक हम इसके लिए एक अच्छा सा मसाला पीसकर तैयार कर लेते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो चलिए हम सबसे पहले जार के अंदर डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। मैंने अदरक के टुकड़ा को अच्छी तरीके से छील के धो लिया हुआ है, तो चलिए हम इसे रफली कट करके डाल देते हैं जार के अंदर। अब हम डालेंगे इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को कट करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 12 से 15 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 लौंग, 4 इलायची हरी वाली, 1 बड़े साइज़ का तेज़पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने बहुत बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, एकदम बारीक पीस कर रेडी किया है। आलू गोभी के अंदर हाई फ्लेम के ऊपर 3 सीटी लग चुका है, तो चलिए हम इसे चूल्हा से उतार देते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ कर लिया है। कढ़ाई के अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब डालेंगे इसे पीसा हुआ मसाला। साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग। अब हम मसाला को अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाला जब अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो जाए और इससे तेल छूटना शुरू हो जाए तब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और गोभी। पानी साथ में डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। ध्यान रहे आलू गोभी को उबालते समय भी नमक डाला था, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे दोबारा एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसी स्टेज पे गर्म किया हुआ पानी डाल दें। अगर आपको लगे कि सब्ज़ी में पानी कम है तो आप इसी स्टेज पे गर्म किया हुआ पानी डाल दें ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हुए, अब हम इसे ढक देते हैं। ढक के इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर पूरी सब्ज़ी के अंदर घुल मिल जाए। सब्ज़ी जब तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक हो रहा है तब तक हम आटा लगा कर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे मसल कर, स्वाद के हिसाब से नमक।
इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें नॉर्मल पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लेंगे। मैंने पूरी के लिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद सब्जी बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक होकर रेडी हुआ है, तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसे हम मिक्स करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं, आप सब्जी की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। जिस तरह की ग्रेवी वाली मुझे सब्जी चाहिए थी बिल्कुल उसी तरीके से बनकर रेडी हुआ है। आप भी जब भी बनाएं इसी तरीके से बना के रेडी करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे पूरी, पराठा, दाल चावल, सिंपल से फुलका, सिंपल से बॉयल्ड राइस किसी के भी साथ सर्व करेंगे तो ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बनाने में तो आपने देखा ही है कितना आसानी से बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखने से पता नहीं चलेगा कि ये बिना लहसुन प्याज का है, खाने में भी उतना ही ये टेस्टी बनकर रेडी होता है। हम दोबारा से गैस के ऊपर चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ है। कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम जार में डालते हैं 4 से 5 हरी मिर्च, एकदम छोटा सा अदरक का टुकड़ा, साथ में डालेंगे भिगोया हुआ चना का दाल 1 कप लिया है मैंने, जिसको निकाल कर मैंने साइड कर दिया था। तो चलिए हम इसे डालते हैं जार में। साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून भिगोया हुआ कच्चा चावल। अब हम इन दोनों चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छी तरीके से पीस कर रेडी करेंगे। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा सा हींग पाउडर, साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून पम्पकिन का सीड, कुमड़ा का जो बीज होता है उसको मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया हुआ है। तो चलिए हम इसे डालते हैं दाल के अंदर, इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे बाउल में डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। दाल का पेस्ट जब तक 4 से 5 मिनट तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम पूरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। पूरी बनाने के लिए मैंने जो आटा लगाया था उसे रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम इसका एक गोला बनाकर इसके अंदर स्टफिंग भर के रेडी कर लेते हैं। गोला बनाने के बाद हम इसे आटा में डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद इसे एक बाउल के जैसा शेप बना लेंगे। इस तरीके से शेप बनाने के बाद मैंने जो दाल को उबालने के बाद भून के सुखा लिया था उस दाल को हम इसके अंदर स्टफ़ करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है। स्टफ़ करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद हम दोबारा इसे डस्ट कर लेंगे सूखे आटे में। आटा से डस्ट करने के बाद हम इसे अपने हाथों से ही हल्का सा फैला लेंगे। हल्के हाथों से इसे बेलकर रेडी करना है। मैंने ना तो इसका बहुत ज़्यादा मोटा ना ही बहुत ज़्यादा पतला पूरी बेलकर रेडी किया है, आप देख सकते हैं। तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे डालते हैं तेल के अंदर। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हैं पूरी कितना बढ़िया तरीके से फूलकर रेडी हुआ है। पूरी को फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, इसे ना तो बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के सारे पूरी को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। सभी पूरी को फ्राई करने के बाद अब हम इसी बचे हुए तेल के अंदर जो मैंने दाल को पीस कर तैयार किया था पम्पकिन सीड को मिला करके उसका टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे। टिक्की बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है, टिक्की ना तो बहुत ज़्यादा मोटा होना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है।
मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। पलट कर इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल कर प्लेट में डालेंगे। इस तरह मैंने सभी टिक्की को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम थाली को सर्व कर देते हैं। सर्व करने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा थाली ले लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे बिना लहसुन प्याज के आलू गोभी की सब्जी, खट्टी मीठी और तीखी पम्पकिन की सब्जी, कद्दू की सब्जी, चावल के गुड़ वाली खीर, स्टफ चना दाल पूरी, चना दाल और पम्पकिन के सीड का टिक्की। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश धनिया का पत्ता डालेंगे। इस तरह मैंने पूर्णिमा स्पेशल बिना लहसुन प्याज के सबसे आसान तरीके से बनकर तैयार होने वाली हेल्दी डिनर थाली को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।